व्यूअर्स, आज हम आपको इस तारे वाली नेट से बोलेरो जैकेट बनाना सिखाएंगे और इसके साथ हम इस ब्लैक स्टोन वाली नेट से फुल सर्कल फ्रॉक बनाएंगे। तो व्यूअर्स, हमारी इस बोलेरो जैकेट को समझने के लिए हमारी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें और हमारी वीडियो को हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बोलेरो जैकेट को अखबार पे कट करेंगे, उसके बाद हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट साइड से हम हाफ इंच के करीब कपड़े को इस तरह से टर्न करेंगे, क्योंकि हमें बटन लगाने के लिए दोनों साइड्स को ओवरलैप करना है। तो दोनों साइड को हम इस तरह से टर्न करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले हम जैकेट की लंबाई लेंगे। तो हमारी जैकेट की लंबाई है 18 इंच। तो हम यहाँ 18 पे निशान लगाएंगे। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ 18 पे निशान लगाने के बाद एक्स्ट्रा अखबार को कट कर देंगे। अब हम तीरे का साइज लेंगे। हमारा तीरा है 15 इंच, तो हम यहाँ 7.5 पे निशान लगाएंगे। और इसी तरह से हम यहाँ आर्म होल के लिए भी 7.5 पे निशान लगाएंगे। और हमारी फिटिंग है 18 इंच, तो हम यहाँ 9 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से हम गोल शेप देंगे। तो हमारी कमर है 16 इंच, तो हम यहाँ 8 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे। और यहाँ से हम इस तरह से नीचे की जानिब इस तरह से शेप बनाएंगे। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। यहाँ फिटिंग की साइड से हम हाफ इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए कट करेंगे। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग के लिए हम इसकी लंबाई 6.5 इंच तक लेंगे। और इसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच तक लेंगे। और यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ से इस तरह से गोल शेप बनाएंगे। तो अब हम इसको कट करेंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ आर्म होल को हाफ इंच के करीब मजीद कट करेंगे। तो अब हम यहाँ हाफ इंच शोल्डर की कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, हमारी वेस्ट है तकरीबन 9.5 इंच, तो हम यहाँ से जैकेट को ट्रायंगल की शेप देने के लिए यहाँ सेंटर से इस तरह से टर्न करेंगे। इस तरह से जैकेट को इस तरह से टर्न करेंगे। और यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। दो इंच पे निशान लगा के हम इसको इस तरह से यहाँ कॉर्नर तक लेके आएंगे। यहाँ कॉर्नर से ऊपर तक हम 2 इंच तक निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम ट्रायंगल की शेप में इस तरह से कटिंग करेंगे। तो व्यूअर्स, इस तरह से हमारी जैकेट की नीचे से शेप ट्रायंगल की तरह होगी और इस तरह से अब हमने ये फ्रंट साइड कट कर लिए हैं। इसी तरह से हम बैक साइड को भी कट करेंगे। व्यूअर्स, हमने बैक पार्ट के नेकलाइन और आर्म होल को अपने साइज के मुताबिक कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की नीचे वाली साइड को भी ट्रायंगल की शेप देंगे, तो उसके लिए हम फ्रंट साइड को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और दोनों पार्ट की साइड्स को मैच करते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे। और अब हम इस तरह से ट्रायंगल की शेप बनाते हुए यहाँ तक हम निशान लगाएंगे। हमारी लेंथ यहाँ वो 1/2 इंच ऊपर तक है, तो हम यहाँ पे शेप बनाने के लिए इसको 1/2 इंच नीचे तक लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे और इस तरह से अब हम कट कर देंगे। तो हमारा बैक पार्ट भी नीचे से इस तरह से ट्रायंगल की शेप में होगा। व्यूअर्स, हमने फुल जैकेट को अखबार पे कट कर लिया है। अब हम इसको लाइनिंग के कपड़े पे कट करेंगे और उसके बाद तारे वाली कपड़े पे कटिंग करके सिलाई करेंगे। व्यूअर्स, हमने जैकेट के पैटर्न को फ्यूजिंग पे कट कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने अखबार पे कट किया था। और यहाँ पे हमने बटन लगाने के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा फ्यूजिंग का जॉइंट लगाया है। तो अब हम इस फ्यूजिंग के पैटर्न को इस लाइनिंग के कपड़े पे चिपकाएंगे। तो इसके लिए हम लाइनिंग के लिए डबल कपड़े को यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम सिंगल तय को यूज़ करेंगे तो ये फ्यूजिंग हमारे इस तारेदार नेट से दिखाई देगी। तो इसलिए हम इसके लिए लाइनिंग के डबल कपड़े को यूज़ करेंगे। ये जब हम यहाँ से कट करेंगे। व्यूअर्स, हम यहाँ साइड से मार्जिन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ हमने साइड से अखबार पे एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, इसलिए हम यहाँ साइड से मार्जिन नहीं लेंगे। लेकिन बाकी तमाम साइड्स, आर्म होल, नेक लाइन और यहाँ नीचे की साइड से हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। ये हमने सिंगल तय को कट कर लिया है। अब हम इसी तरह से कपड़े की डबल तय को कट करेंगे। व्यूअर्स, हमने पैटर्न के लिए लाइनिंग के डबल पार्ट को कट कर लिया है। अब हम इस तारे वाली नेट पे इस पैटर्न को कट करेंगे। तो उसके लिए हमने इस कपड़े को इस तरह से डबल करके इस तरह से सेट किया है। इसकी चौड़ाई यहाँ से 11 इंच है। हमने अपने पैटर्न के मुताबिक इसकी चौड़ाई को सेट किया है। अब हम इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे यहाँ से हम एक सिलाई के मार्जिन के लिए तारे वाली नेट को एक्स्ट्रा रखेंगे और अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। हमने इस डबल कपड़े पे अपने जैकेट के पैटर्न को सेट कर लिया है और जैसे हमने लाइनिंग के एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कपड़े को कट किया था, इसी तरह से हम तारे वाली नेट पे भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसको कट करेंगे। और अब हम यहाँ सेंटर से कट करेंगे। तो अब हमारे ये पैटर्न इस तरह से रेडी होंगे। व्यूअर्स, हमने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है, अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे। व्यूअर्स, हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। हमने अपने पैटर्न को तारे वाली नेट पे इस तरह से रखने के बाद तमाम साइड से इसको कट कर लिया है। यहाँ सेंटर बैक से हमारी जैकेट की शेप ट्रायंगल की तरह होगी। तो अब ये बैक पार्ट कट हो चुका है, अब हम इसको सिलाई करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बैक पार्ट को सिलाई करेंगे। तो लाइनिंग के लिए हमने डबल पार्ट को कट किया था, एक पार्ट पे हमने फ्यूजिंग को अटैच किया था। अब दूसरे पार्ट को हम इस पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ तमाम साइड्स में हम पिंस लगाएँगे। व्यूअर्स, हमने पिंस लगा ली हैं, अब हम यहाँ फ्यूजिंग के किनारे के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। हमने बैक पार्ट को सिलाई कर लिया है, अब हम इसी तरह से फ्रंट पार्ट को भी सिलाई करेंगे। व्यूअर्स, अब हम फ्रंट पार्ट को सिलाई करेंगे। तो लाइनिंग के दोनों पार्ट्स को हमने इस तरह से जॉइंट करके ऊपर पिंस लगा ली हैं। अब हम फ्यूजिंग के किनारे के साथ साथ यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ फ्रंट साइड में हमने सिलाई के लिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसके किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है, इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। व्यूअर्स, अब हम इस फ्रंट पैटर्न को इस तारे वाली नेट पे अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम इसको इस तरह से इसके ऊपर रखने के बाद यहाँ तमाम साइड्स में पिंस लगाएंगे और यहाँ शोल्डर और साइड की सिलाई को छोड़ के बाकी तमाम साइड्स में हम सिलाई लगाएंगे। तब हम यहाँ छोटे छोटे कट लगाएंगे तमाम साइड्स में। यहाँ फ्रंट साइड से हम इजाफी कपड़े को कट कर देंगे। अब हम इसको टर्न करेंगे। यहाँ से हम साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और इसी तरह से अब हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे हम कट लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है। इसी तरह से अब हम बैक पार्ट को भी रेडी करेंगे। हमने बैक पैटर्न को भी नेट के ऊपर सेट करके तमाम साइड्स में पिंस लगा ली हैं और अब हम शोल्डर और साइड की सिलाई को छोड़ के बाकी तमाम साइड्स में इस फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम दोनों साइड्स के शोल्डर को अटैच करेंगे। तो शोल्डर को अटैच करने के लिए हम फ्रंट की दोनों साइड्स को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और शोल्डर को अटैच करने के लिए हम फ्रंट साइड के शोल्डर को यहाँ साइड से हम बैक पार्ट के शोल्डर को अंदर की तरफ करेंगे और साथ ही हम फ्रंट पार्ट के शोल्डर को इसके साथ अंदर अटैच करेंगे और यहाँ पे हम फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ से इस साइड से हम यहाँ अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। जितना मार्जिन हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया था उतने मार्जिन पे हम इसको सेट करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तरह। हमने दोनों साइड्स में शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम अपनी फिटिंग के हिसाब से यहाँ साइड सिलाई लगाएंगे। तो साइड सिलाई के लिए सबसे पहले हम यहाँ किनारे पे ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमने सीधी साइड में किनारे पे सिलाई लगाई है। अब हम इस सिलाई को अंदर की तरफ टर्न करेंगे इस तरह से। और यहाँ अंदर की साइड में अपनी फिटिंग के मुताबिक यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। हमने एक साइड में सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। हमारी दूसरी साइड सिलाई भी मुकम्मल हो चुकी है। हमारी फ्रंट साइड इस तरह है और ये हमारी बैक साइड है। व्यूअर्स, यहाँ पे हम बटन लगाएंगे अंदर की तरफ। यहाँ आप कोई भी स्टोन या बटन वगैरह लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये जैकेट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ, जिसमें हम फुल सर्कल फ्रॉक बनाएंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।